के खिलाफ सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर ईओयू को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई करते हुए बालू के अवैध कारोबार में शामिल 55 लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 13 जिलों के 55 कारोबारी पर शिकंजा कसने का प्लान तैयार किया गया है और संबंधित जिलों से इन माफियाओं के बारे में रिपोर्ट मांगी है। आर्थिक अपराध इकाई ने जो सूची तैयार की है उसमें पटना जिले के 13 बालू माफिया है, जबकि भोजपुर जिले के 9 बालू माफिया, औरंगाबाद के 9, सारण के 8, रोहतास के 8 और जहानाबाद के 1, बांका के 3 बालू माफिया के नाम है। और इन बालू माफियाओं से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट जो है आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा 13 बालू माफिया पटना से है। पटना पुलिस के आला अधिकारियों का यह कहना है कि पुलिस अवैध खनन रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। पहले चरण में इन बालू माफियाओं पर कार्रवाई के बाद आने वाले दिनों में कई और बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने का प्लान तैयार किया जा रहा है। देखिए, इसमें बहुत मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है इसका। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वेस्ट, जो पटना का जो वेस्ट एरिया है, जहाँ पे जो कि आपको भोजपुर से सटता है, उसमें जो है कई जो है बहुत ही आई वुड से कि कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स लिए गए हैं। उसमें ये है कि कुछ एसटीएफ की टीम वहाँ पे स्टेशन की गई है जो कि लगातार वहाँ पे डेली बेसिस पे जो है पेट्रोलिंग करती है। दूसरा कि जो अभी वहाँ पे जो है जो सब डिवीजन लेवल पे भी डिवीजन इसलिए किया गया कि बेटर वहाँ पे पुलिसिंग की जाए। जो मनेर क्षेत्र है और जो दानापुर क्षेत्र है, दोनों को डिवीजन किया गया है। तो ऐसे कई वहाँ पे हो रहे हैं। और जो जो ये है बालू के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग टू द हाई लेवल होता रहता है कि उसमें गिरावट आ रही है कि नहीं। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा, बाकी जो भी होता है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है और जब भी होता है तो FIR से लेकर के जो भी उसके कानूनी कार्रवाई है वो वहाँ तक पहुँचती है। तारीख 28 मई 2024, स्थान आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय पटना। ADG आर्थिक अपराध इकाई नैयर हसनैन खान की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। फैसला ये लिया गया कि आर्थिक अपराध इकाई ने सभी जिलों में, तकरीबन 13 जिलों के नाम आए हैं, और ईओयू ADG की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में यह फैसला लिया गया कि बालू के अवैध कारोबार में संलिप्त वैसे अपराधकर्मी संवेदक जिनके विरुद्ध 2 वर्षों में बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के अलावा बालू खनन और उठाव को लेकर रंगदारी या गोलीबारी की घटना में शामिल होने के कारण आरोप पत्र समर्पित किया गया है, उनकी सूची तैयार की जाए। इस सूची के आधार पर उनकी अद्यतन रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पटना को सौंप दी जाए ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संबंधित जिलों के जो SP हैं उन्होंने अपने सबोर्डिनेट DSP को यह आदेश दिया और 13 जिलों में 50 से अधिक लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो बालू माफिया हैं, उनकी लिस्ट तैयार कर आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय पटना भेज दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हाल के दिनों में जब NDA की नई सरकार बनी तो राज्य में माफिया तत्व के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। खासकर बालू खनन से जुड़े माफियाओं के खिलाफ सरकार ने एक ऐसी ठोस रणनीति बनाई ताकि उन्हें समय रहते नेस्तनाबूद किया जा सके। और यही कारण है कि विजय सिन्हा को खनन विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई और उसके बाद बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने का सिलसिला शुरू हो गया। तकरीबन 13 जिलों के 55 बालू माफियाओं की सूची तैयार होकर आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में पहुंच गई है। इन अपराधियों की सूची, जो बड़े बड़े बालू माफिया हैं, News 18 के पास भी मौजूद है। और ये जो आप नाम देख रहे हैं इसमें कई सफेद पोश लोगों के नाम शामिल हैं और निश्चित तौर पर इसमें कई ऐसे नाम हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। आर्थिक अपराध इकाई में रिकॉर्ड के तौर पर यह कार्यालय पहुंच गया है। अगर केवल पटना जिले की बात कर लें तो पटना जिले से कुल मिलाकर 13 लोगों के नाम गए हैं, जिसमें अजय यादव, धनंजय कुमार, संतोष कुमार, मंजय कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार, अजय गोप, सुनील यादव, सुग्रीव यादव, चंदन सिंह, धीरज कुमार, अशोक गोप, अंजनी सिंह, जीवन कुमार जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। अब आर्थिक अपराध इकाई ऐसे सभी नामों की सूची तैयार कर इनके खिलाफ कार्रवाई की रणनीति में जुट गई है। आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि इनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देखना होगा अब आर्थिक अपराध इकाई ऐसे बालू माफियाओं के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेती है ताकि पूरे स्टेट ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में बिहार की जो नई NDA सरकार माफियाओं को कुचलने का जो मैसेज देना चाहती है वो मैसेज किस तरीके से जाता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, News 18 पटना।